दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों अपने देश में बहुत सारे लोगों को ये चिंता होती है, अचरज होता है कि आखिर जिस सरकार को वे चुनते हैं यानी जनता चुनती है, उनकी परवाह ये सरकार क्यों नहीं करती। बिल्कुल लगता नहीं कि ये निर्वाचित सरकार है। और ये सवाल मैं नहीं, जो लोग उठा रहे हैं, मैं उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं जब कभी किसानों के बीच जाता हूं, मजदूरों के बीच जाता हूं, नौजवानों के बीच जाता हूं, शिक्षा शास्त्रियों के बीच जाता हूं, कृषि अर्थशास्त्रियों के बीच जाता हूं, मध्यवर्ग के बीच जाता हूं, तो अक्सर ये सवाल उठता है, खासकर अगर वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है या समर्थक नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि ये अजीब बात है कि दलित हो, आदिवासी हो, सभी उपेक्षित महसूस करते हैं और सबको लगता है कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, केवल उन लोगों की बातें सुनी जा रही हैं जो मुट्ठी भर लोग इस समाज के हैं, बड़े कारपोरेट हों या बड़े व्यापारी हों या बड़े जोतदार हों, बहुत बड़े बड़े। तो आखिर क्या वजह है कि सरकार आवाम के, जनता के बड़े हिस्से की बात को सुने बगैर मानती है कि वह एक लोकप्रिय सरकार है, और लोकप्रिय मानने का उसके पास अधिकार इसलिए है कि उसको बहुत अधिक सदस्यों के साथ पिछले चुनाव में लोगों ने चुना था। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर सरकार ने अपनी जनता का, जो उसके निर्वाचक लोग हैं, जो उसको चुनने वाले लोग हैं, उनकी परवाह करना क्यों बंद किया है। इस सवाल का जवाब अलग अलग ढंग के लोग अलग अलग ढंग से देते हैं। मैं इसका कोई जवाब आज नहीं देने जा रहा हूं, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अगर सरकार, जो सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकार सचमुच लापरवाह हो गई है जनता के कंसर्न्स को लेकर, उसकी शिकायतों को लेकर, तो ये क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है, आप भी थोड़ी तलाश कीजिए। लेकिन हम कुछ ठोस बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं जो हाल की हैं। अब जैसे कृषि सुधारों को लेकर आज भी पार्लियामेंट में बहस चली और पहले भी चली थी, बार बार सरकार की तरफ से, यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि ये कृषि कानून बहुत जरूरी थे, जैसे बाल विवाह को रोकना, जैसे विवाह की उम्र बढ़ाने का फैसला करना, जैसे बहुत सारे और सामाजिक सुधारों का जिक्र किया गया। तो उसी तरह से ये जो कानून हैं वो बहुत ज़रूरी थे, यानी समाज सुधार के जो ज़रूरी कुछ कानून थे जिनको हमारे देश की पार्लियामेंट ने शुरू के दौर में पास किया और बाद में भी पास किया है। तो जैसे अब शादी की उम्र का जो हवाला दिया गया पार्लियामेंट में आज, उसी से तुलना की गई कृषि कानूनों की। पहले बाल विवाह हो जाता था तो उसको रोकने के लिए जो कानून लाए गए, तो उससे तुलना की गई कि तीन कृषि कानून भी उसी तरह के हैं। आज एक और सवाल उठाया गया कि आखिर इन तीन कृषि कानूनों में कंटेंट के लेवल पर या इंटेंट के लेवल पर क्या गड़बड़ है। अब दोस्तों, राजनीतिक लोगों की बातें राजनीतिक लोग जाने, लेकिन हम तो एक जर्नलिस्ट हैं, किसानों से बात करते हैं, उनके कानून को पढ़ते हैं जो सरकार ने हमें मुहैया कराया है, और उन कानूनों को पढ़कर मैं आपके सामने कुछ बातें रख सकता हूं बहुत संक्षेप में। ये तीन कानून हैं, इसमें एक कानून है दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, 1955 के कानून में संशोधन करके इसको लाया गया है। अनाज, तिलहन, दलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू, इन सबको आवश्यक जो वस्तु हैं उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो आखिर खाने पीने की जो आवश्यक चीजें हैं, जिनको लेकर सबसे अधिक जखीरेबाजी या एक तरह से उनको स्टॉक उनका जमा करके गोदामों में रख देने की जो एक प्रथा थी एक जमाने में, जो इन कानूनों के कारण खत्म हुई, उनके रिवाइवल का क्या खतरा उत्पन्न नहीं होगा, या ऐसे समय उन चीजों को, उन 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 जिंसों को बाहर लाने की प्रथा नहीं शुरू हो जाएगी जब दाम ज्यादा मिले लोगों से।
तो ऐसे में एक बड़ा कंटेंट के लेवल पर या इंटेंट के लेवल पर एक सवाल उठता है, जिसका जिक्र आज किया गया पार्लियामेंट में, कि आखिर पहले ही कानून में यह सुधार किस लिए किया गया? क्या यह जनता के पक्ष में है? मैं तो किसानों की बात केवल नहीं कर रहा हूं, मैं तो समूची जनता के बारे में कह रहा हूं कि आखिर अनाज को, खाद्यान्न को, तेलहन को क्यों आवश्यक वस्तु नहीं माना गया है? इसका क्या जवाब है सरकार के पास? दूसरी बात, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य कानून है, 1970 में एमएसपी एपीएमसी का एक्ट आया था दोस्तों। अब सवाल इस बात का है कि एपीएमसी के रोल को सीमित कर देना ये कौन सा सुधार है? इस पर बहुत सारी बातें और भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कही हैं। इसी एपीएमसी के कारण किसानों को दाम मिलने लगा, वरना ऑन पौन दाम पर उनके उनके उत्पाद बिकते थे। बिहार में इसको खत्म किया गया, उसका खामियाजा ये भुगत रहा है बिहार की 2006 के बाद वहाँ पर मंडियाँ ही नहीं हैं, और मंडियाँ नहीं हैं तो बड़े किसान ट्रकों पर दूसरों का भी सामान लादकर पंजाब में बेच रहे हैं और वहाँ पर कम पैसा पे कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े किसान हैं कुछ, और वो अपना सामान तो खैर बेच रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये जो बात कही जा रही है कि इसका क्या मतलब है, ये है मतलब इसका। अब तीसरा कानून है कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार, कॉन्ट्रैक्ट खेती। अब इस पर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो जो कंटेंट और इंटेंट की बात की जा रही है उसका उसका जवाब हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने, खेतिहर मजदूरों ने, आम किसानों ने, सब ने अपने अपने ढंग से दिया है कि कैसे ये सबके लिए नुकसानदेह है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नहीं साहब, कुछ बताया ही नहीं गया। इतनी सारी चर्चा, इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी उत्तराखंड ट्रेजडी को लेकर, चमोली जिले में जो कुछ हुआ है उसको लेकर सरकार, शासकों, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े योजनाकारों का कितना कंसर्न है। दुनिया के दूसरे देशों में, विकसित देशों में, कई विकासशील भी देश ऐसे हैं जहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं, जवाबदेही है, ऐसी घटनाएं होती हैं तो पूरा का पूरा शासन प्रशासन हिल जाता है। यहां दर्द ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि मरने वाले गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। अब तक 32 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और 200 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। क्या किसी ने ये बताने की कोशिश की कि यह घटना क्यों हुई है? अब तो 2-3 दिन बीत गया, क्यों ये घटना हुई है? इस पर उत्तराखंड के जो पर्यावरणविद हैं अपने ढंग से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातें बड़े मीडिया में नहीं आ रही हैं। बड़े चैनलों में जो डिस्कशंस हो रहे हैं 2-3 दिन में, आप देख लीजिए किन चीज़ों पर हो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड ट्रेजडी को लेकर, उत्तराखंड के चमोली जिले में जो कुछ हुआ है वो कैसे एक निजी विद्युत परियोजना, एक पावर प्लांट जो वहाँ पर बैठाया जा रहा था, पनबिजली परियोजना जो पहले सरकारी क्षेत्र की थी, बाद में उसका एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट को दे दिया गया, उसका कैसे भारी विरोध किया गया था। यह भी विरोध किया गया था कि उस जगह परियोजना नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो न केवल पर्यावरण के खिलाफ है बल्कि वो हमेशा जोखिम में रहेगी, हमेशा खतरे में रहेगी और अन्य लोगों को भी खतरे में डालेगी, और वही हुआ। और दोस्तों ये पहली घटना नहीं है, 2013 में हमने केदारनाथ ट्रेजडी देखी है, 1970 में जिस अलकनंदा पर भीषण बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी बाढ़ थी, लोग मरे थे काफ़ी, लेकिन 2013 में जब वैसी ही बाढ़ आई तो उससे भी ज़्यादा लोग बढ़े मरे, लेकिन 2013 की बाढ़ 1970 की बाढ़ से बहुत कम थी, फिर भी मरने वालों की संख्या 2013 में ज़्यादा हो गई, क्यों? क्योंकि हमने पर्यावरण का विनाश किया, हमने जंगलों का विनाश किया, हमने पहाड़ों को रौंद डाला, हमने नदियों को बंद कर डाला, उनकी धारा को कंट्रोल किया, और इस कारण जो वेग है, जो प्रवाह है, उसको अलग अलग कारणों से, अलग अलग ढंग से रोका गया, और यही कारण है कि आज मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन कोई कंसर्न नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जनता इन्वॉल्व है,
गरीब लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हवाई जहाज पर कभी कुछ हो जाता है तो हाय तोबा मच जाता है, क्या क्या नहीं होता है। हम कंपेयर नहीं करना चाहते अमीरों और गरीबों के बीच में ताकि कुछ लोगों को बुरा ना लगे, लेकिन सच यही है कि इस देश में मजदूर की कोई चिंता नहीं, इस देश में आम गरीब आदमी की कोई चिंता नहीं, इस देश में किसान की कोई चिंता नहीं, इस देश में नौजवान की कोई चिंता नहीं। इसलिए दोस्तों, चाहे वो किसान आंदोलन के मोर्चे पर आप देखें, चाहे उत्तराखंड के आम मजदूरों के बारे में देखें जो मरे हैं और जिनके अभी तक जिंदा या मरने की पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी संख्या 200 से ऊपर भी हो सकती है। तो ये जो चिंता नहीं दिखाई दे रही है, ये शायद यही कारण है कि जनता ने लोगों को जनता समझना, सरकार ने लोगों को जनता मानना बंद कर दिया है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, जिन दिनों मैं रिपोर्टर हुआ करता था अखबार में, एक देश के बड़े नामी अखबार में, तो उन दिनों मैं कई अन्य मंत्रालयों के साथ गृह मंत्रालय भी कवर करता था, और उस समय गृह मंत्री हमारे देश के लालकृष्ण आडवाणी जी थे। वो जब कभी बात करते थे हम लोगों से तो आवाम को, जनता को, पीपल को प्रजा कहा करते थे। कई बार हमको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये प्रजा क्यों कहते हैं। तो प्रजा और जनता आवाम के ये पर्यायवाची शब्द जरूर हैं, लेकिन इनके भाव में फर्क है। भाव में फर्क यह है कि प्रजा कहते ही राजा का बोध होता है, लेकिन जब जनता आप कहते हैं तो लगता है कि उसके पास निर्वाचन यानी अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, पीपुल जैसा लगता है। तो प्रजा, ऐसा लगता है कि हमारे देश की मौजूदा सरकार, जाहिर है आडवाणी जी की पार्टी ही है, उसी की सरकार है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात है कि ये प्रजा है और हम राजा हैं। तो ये राजा और प्रजा का जो मामला है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये जो शुरू में मैंने आपके सामने आवाम की ओर से, आम लोगों की ओर से उठते सवालों को आपके सामने रखने की कोशिश की थी कि क्यों ऐसा लगता है कि लोगों की परवाह नहीं कर रही है ये सरकार, ये सरकार क्यों, क्या वजह है कि लोग शिकायत करते हैं, लोगों की अपनी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी सरकार कॉन्फिडेंट है कि कोई इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, ये हमेशा चुनाव जीतती जाएगी चाहे लोग कितना भी नाराज हो जाएं। तो आखिर लोग कितना भी नाराज हो जाएं, सरकार बरकरार रहेगी, ये जो मानस है, ये जो माइंड सेट है, वो तो राजा का ही हो सकता है। तो क्या हमारे देश की जो मौजूदा निर्वाचित सरकार है उसने वाकई जनता को प्रजा मानना शुरू कर दिया है और अपने को राजा, एक बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने छिड़े जाता हूँ। क्योंकि जब कभी कोई आवाज़ उठाता है, कभी ईडी लग जाती है, कभी इनकम टैक्स लग जाता है, कभी सीबीआई लग जाती है, और जो अमीर लोग, जो खूब जिनके पास अमीरी है और जो सरकार के साथ हैं, वो आराम से देश और विदेश में विचरण कर रहे हैं, उनका कोई उनके बारे में कोई समस्या उनके सामने नहीं है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।